महाकाल लोक में मूर्तियां खंडित होने के बाद जांच के लिए कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया। समिति की सदस्य शोभा ओझा ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शोभा ओझा ने दावा किया कि जांच समिति को मूर्तियों के निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर तथ्य पता चले हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शोभा ओझा से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल पाठक जी ने। महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की मूर्ति खंडित होने के मामले में लगातार सियासत हो रही है। इस मामले में कांग्रेस की एक जांच कमेटी उज्जैन होकर आई है। जांच कमेटी की सदस्य हैं शोभा ओझा जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की। शोभा जी उस जांच कमेटी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। शोभा जी, क्या फाइंड आउट है आपके? देखिए, कुल मिला के बहुत ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है जो 300 करोड़ रुपए आदरणीय कमलनाथ जी ने सैंक्शन करे थे इसके लिए, महाकाल लोक के लिए, और जिस सोच के साथ इसको सैंक्शन करे थे कि वहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं पूरे देश से, करीब 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहाँ आते हैं, उनकी सुविधा करी जाए, और कुल मिला के एक ऐसा ऐतिहासिक कॉरिडोर बनाया जाए जिससे कि हिंदुस्तान में और आकर्षण बढ़े महाकाल के लिए और लोग आए श्रद्धा से। पर कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने उसको भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारागार बना के छोड़ दिया है। जो वहाँ मूर्तियां सप्त ऋषि की लगी थी जिसकी कीमत कहीं 3 लाख के आजू बाजू होनी चाहिए थी एक मूर्ति की, वो 10.5-11 लाख पेमेंट उसका हुआ है। और उसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए था, जो कि एक प्री रिक्विजिट कंडीशन थी टेंडर में कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब वहीं लगना चाहिए था, वो नहीं लगा क्योंकि भ्रष्टाचार करना था, इसलिए वहाँ कोई ऐसी लैब नहीं लगी जिससे क्वालिटी कंट्रोल हो। बहुत ही चीप चाइनीज मटेरियल यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, जिससे कि जिसके कारण एक छोटे से आंधी से ये खंडित हो गई, गिर गई, और ये तो ईश्वर की कृपा है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई श्रद्धालु उस टाइम वहाँ थे नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो जाता। और जो मूर्ति वहाँ बची भी है उनकी भी हालत बहुत खराब है, वो कोई फाउंडेशन नहीं लगाया गया, कोई फ्रेम नहीं लगाया, पूरी खोखली मूर्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खोखली थी अंदर से, तो उनको तो गिरना था ही। और इसके अलावा लोकार्पण के 1 महीने के अंदर ही 96 लाख फिर सैंक्शन किए गए, जो कि मेंटेनेंस के नाम पे सैंक्शन किए गए, जिसका क्या हुआ भगवान मालिक। शोभा जी, सरकार के जिम्मेदार मंत्री कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ कांग्रेस के जमाने में हुआ, बीजेपी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। देखिए, कांग्रेस का तो सपना था जो कि ये बहुत अच्छा महाकाल लोक बने, जो कि सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने अपना बताया और मोदी जी को बुला के इनॉग्रेट ताबड़तोड़ किया और बहुत अपने आप को महिमा मंडित किया, पूरे देश को दिखाया कि हमने कितना अच्छा बनाया है। कांग्रेस का सपना था, कांग्रेस ने बजट दिया, सपना देखा, और इस बीच सरकार इन लोगों ने गिरा दी, तो आगे का काम इनके हाथ आ गया। जो क्वालिटी कंट्रोल इनको करना था, जो इंश्योर करना था कि भ्रष्टाचार ना हो और अच्छी अष्ट धातु की या फिर पत्थर की मूर्तियां लगे वो ना करके इन्होंने बहुत ही हल्की क्वालिटी की मूर्तियां लगाई हैं, जिसका अंजाम हमने देखा अभी वहां कल हम गए थे, देखा कि बाकी मूर्तियों की भी हालत बहुत ही खराब है और जो लगी है वो भी एक आध आंधी तूफान आएगा और वो भी नीचे गिर पड़ेगी। आखिरी सवाल, अब इस मामले को लेकर कांग्रेस का अगला स्टैंड क्या? देखिए, हम तो मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जो हमारे महेश परमार करके एमएलए हैं लोकल, उन्होंने इसके इनॉग्रेशन के 1 महीने बाद ही लोकायुक्त में शिकायत करी थी, जिसमें 15 अधिकारियों को नोटिस भी गया था, पर उसका लोकायुक्त के अधिकारी को ये नुकसान हुआ कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया ताबड़तोड़, जिसकी कि भ्रष्टाचार उजागर नहीं हो, पर खुद महाकाल ने इस भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है और
निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा जनता भी देगी और ईश्वर भी देगी। शोभा ओझा जी का साफ कहना है कि इसकी सजा बीजेपी और बीजेपी सरकार को मिलेगी, क्योंकि महाकाल लोक के साथ जो हुआ है निश्चित रूप से वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को लेकर कांग्रेस आगे भी अपना कदम जारी रखेगी। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ अतुल पाठक, TV24 भोपाल।